गाजियाबाद भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करिले शुभारम्भनी दुदिनियाक विशेष प्रदर्शनी व्यवस्था करा हुई गाजियाबाद दुदिनियाक ड्रोन शक्ति 2023 एक विशेष प्रदर्शनी व्यवस्था करा हुई जो आसे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंह एक प्रदर्शन शुभारम्भनी करिसे आमी आगबढ़ाम गाजियाबादर पुरा पुनपटिया सम्प्रचार या फिर हमारे सिपाहियों को लॉजिस्टिक ड्रोन्स के द्वारा सप्लाई पहुंचाना, इन सारे कामों में ड्रोन्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। देवी और सज्जनों, सियाचिन से लेकर भारत के हर गांव, हर शहर, दुश्मनों की सीमा और किसान भाइयों तक ड्रोन्स ने आज हर घर, हर आदमी के दिलों में जगह बसाई है। देवी और सज्जनों, मैं अगर आपको एक दशक पूर्व की कहानी बताऊं तो ड्रोन्स को एक सिक्योरिटी कंसर्न की तरह माना जाता था। ड्रोन्स के अलग अलग प्रयोग और उनके इम्पैक्ट को देखकर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार ड्रोन इंडस्ट्री और अकेडेमिया के साथ मिलजुल करके काम करने से ड्रोन के पॉलिसीज में और उसके विचार में काफी सारे रिफॉर्म्स आए हैं। ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन में ड्रोन रूल्स 2021 की पॉलिसी, PLI स्कीम और किसान ड्रोन की सब्सिडी, मेक इन इंडिया पे इंपोर्ट पॉलिसी का फोकस और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का लार्ज स्केल ड्रोन का प्रोक्योरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। लास्ट कुछ महीनों में आई हुई लिबरलाइज्ड ड्रोन एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया के स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट में एक्सेस देने का अच्छा एक फैसिलिटेशन कर रही है। आज भारत की ड्रोन इंडस्ट्री ग्लोबल इकोसिस्टम में अपनी एक गहरी छाप बनाने की तरफ बढ़ रहा है और आज का ये इवेंट भारत ड्रोन शक्ति इसी ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वतन की खाक तुझे दिलकश मुबारक हो, जमीन हिंद को ये रोशनी मुबारक है। इस नए सवेरे के खिली इस सुनहरी रोशनी को अब दबा पाना शायद नामुमकिन होगा और ये तो महज एक आगाज है, अंजाम तो बेहतरीन होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। भारत ड्रोन शक्ति 2023 विल बी अ रिमार्केबल इवेंट फॉर द इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री एंड विद दिस आई हैंड ओवर बैक टू विंग कमांडर सोनम बख्शी इन द कमेंट्री बॉक्स टू टेक ओवर द ड्रोन शक्ति प्रदर्शन फ्रॉम हियर ऑन। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रेजेंट्स द प्रोएस ऑफ इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री एट इट्स फुल कैपेसिटी, होस्टिंग लाइव एरियल डिमॉन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप लुकिंग स्ट्रेट एज वी विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ वैरायटी ऑफ ड्रोन ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस बाय वेरियस ड्रोन कंपनीज। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम पुनीत पावन दिन है। गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के साथ आज का भारत, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त, समृद्ध, सक्षम भारत अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन करके विज्ञान और तकनीकी के नए दौर में कदम रख रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बी रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम एयर पावर टू स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस पावर विद इट्स एनहांस्ड कैपेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ ड्रोन शक्ति 2023। We present before you all the first demonstration, and that is agriculture spray. IoTech World Avigation Unmanned System and Drogo Drones, these two companies have coordinated their demonstration of agricultural spraying by drones. Devi aur Sajjano, ab main aapka dhyan aakarshit karna chahunga aapke samne, jahan bike ke piche ek dabbe mein kuch saman liye manch ke beech ek chalak aa raha hai. Darasal ye ek chalak nahi बल्कि ये मानवीकरण है उन सभी आधुनिक युग के किसानों का जो अब पुराने पिछड़े उपायों को छोड़ तकनीकी एवं आधुनिकता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। देवियों एवं सज्जनों, यही ड्रोन आज के दौर में सरकार द्वारा मिली सब्सिडी और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाले कार्यक्रमों की मदद से खेतों में कीटनाशक और खाद का हवाई छिड़काव करने के बाद स्वस्थ और बढ़ी हुई पैदावार देने में सक्षम हुआ है।
As you have seen, ladies and gentlemen, this is a very compact system of drone that can be carried on a bike. This bike has been customized to carry the unassembled drone. Bike packs like these are helping transport Kisan drones across rural terrain and introducing modern agricultural practices at grassroots level all across India. Kisan drones bolstered by government subsidies and outreach programs are saving time, increasing yield and empowering farmers and rural youth by creating more. इन ड्रोन्स कंपनी द्वारा बनाया गया एक निरीक्षण एवं सर्वेक्षण ड्रोन जिसने सरकार की स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत लाखों भारतीय गांवों की संपत्ति का मानचित्र सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया है। सेंटीमीटर स्तर के अचूक आंकड़ों की मदद से इन ड्रोन्स ने भारत सरकार को रेल, पुल एवं अन्य निर्माण कार्यों पर कड़ी नजर रखने में मदद की है। ये जो घर को दर्शाता हुआ चित्र आपके सामने है, दरअसल ये उन सभी घरों, गांव एवं संपत्ति को दर्शाता है जिसका मानचित्र आज इन ड्रोन्स की मदद से मिनटों में हो जाता है, जो किसी जमाने में कई घंटों या दिनों में भी कर पाना असंभव सा लगता था। टुडे ड्रोन इन कंपनी सर्वे ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड अक्रॉस द कंट्री टू मॉनिटर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड अदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। सर्वे ड्रोन्स आर इनेबलिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस इन जनरेटिंग एक्शनेबल इनसाइट्स एंड इनेबलिंग देम टू टेक डेटा based decisions in real time. Survey drones help to collect high resolution geospatial data with centimeter level accuracy using advanced positioning and navigation technology within a fraction of time of what it would take to do surveying traditionally. Ladies and gentlemen, as you can see in front of you, this tired looking person with a tracking bag is lost in the terrain, exhausted and dehydrated. He is almost collapsing. To cater for such situations, Vama Skylight drone is dispatched to search for the missing person. Vama Skylight drones are being used as first responders to locate missing people and send eyes in the sky to cover vast areas during search and rescue operations. These drones have developed reliable solutions to the challenges of the present and future such situations. ऐ मुसाफिर यूं झूठी सी आस न कर, तू इतनी शिद्दत से फरियाद न कर। मुसाफिरों की इन्हीं फरियाद को सुनने के लिए वामा स्काईलाइट ने बनाया है एक आधुनिक ड्रोन जो कि खोज एवं राहत के कार्यों से कई जाने बचा रहा है। नभ स्पर्शम दीप्तम, भारतीय वायुसेना के टच द स्काई विद ग्लोरी के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए इस ड्रोन का नारा है आइज इन द स्काई। This young person has been informed by this flying drone that he is not alone and that he is being taken care of. Josh ki boonde, boondo mein jeet hi goonje, is goonj se gir jayega aasman bhi kadmon mein roko na sapna. Manzilein kya hai, rasta kya hai, hausla ho to phir faasla kya hai. And the scene in front of you all continues, ladies and gentlemen, wherein Hoverit drone is developed for emergency delivering of various packages, which includes food, medicines and other logistic items during emergency and disaster situation in remote or difficult to reach areas. This drone has payload drop capacity of up to 20 kgs
This platform can be used by military to drop payload or bombs up to 20 kgs in hilly terrain. डीवीएम सज्जनों, उसी राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने पेश है हवरेड द्वारा निर्मित ये ड्रोन, जो कि न केवल दवाइयां बल्कि दूर दराज के बंजर भी हड़वान इलाकों में भी खाद्य पदार्थ और रहन सहन की मूल सुविधाएं पहुंचाने में सक्षम है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन आज के दौर के भारत में तिनके की वो जगह इस विश्व स्तरीय ड्रोन ने ले ली है। जोर नहीं चलता ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, लेकिन जहां आग बुझाने की बात है तो देवी और सज्जनों आपके सामने आ रहा है ड्रोन स्टार्क द्वारा बनाया गया ये ड्रोन, जो बेहद कुशलता से आग बुझाने में सक्षम है। ये ड्रोन अग्निशमन गेंदों का इस्तेमाल करके बिना आग के नजदीक जाए आग को बुझा सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रोन्स ऑफ ड्रोन स्टार कंपनी विद प्रिसीजन ड्रॉपिंग कैपेबिलिटी कैन बी यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग इन इमरजेंसी सिचुएशंस टू अवॉइड रिस्क टू ह्यूमन लाइफ। दीज ड्रोन्स आर इक्विप्ड विद थर्मल इमेजिंग कैमरास विच कैन आइडेंटिफाई हॉट स्पॉट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज। दिस हेल्प्स फायर फाइटर्स टू लोकेट द सोर्स ऑफ फायर, spot the affected area and ensure that fire is fully extinguished. Idea Forge advanced real-time image processing capability are helping automate and optimize surveillance of critical establishments and border areas. Dushmani se hamara koi vaasta nahi, par humse dushmani karoge to bachne ka koi raasta nahi. Ladies and gentlemen, as you can see on your left, the two people dressed as terrorists are attempting to infiltrate the venue. This drone automatically detects them and starts following their movements on almost all types of terrains. Dil se niklegi na markar bhi watan ki ulfat, meri mitti se bhi khushbu-e wafa aayegi. Itihas gawah hai ki agar hamare desh ki seema ko koi langne ki koshish karega to na hum pehle chup baithe the na ab chup baithenge. Isi soch ko aage badhate hue Idea Forge ka ye drone ab aapke samne दो घुसपैठियों की हलचल को पहचानते हुए उनकी हर हरकत का पीछा करेगा और इसका सीधा प्रसारण कैंप में लगे कंप्यूटर पर लिया जा सकता है। वो दुश्मन जो भी देश के खिलाफ लड़ा है, मत भूलिए कि भारत की रक्षा में हर भारतीय तैनात खड़ा है। After the spotting of two terrorists by Idea Forge drone, Rafi M-Fiber drones retrofitted with modern weapons will be flown as a force multiplier to combat our adversaries and help our soldiers away from the close combat situation. These drones, ladies and gentlemen, have sensors which are able to integrate weapons, compensate for the recoil as well as shoot precisely within an accuracy of a few feet. DVM सज्जनों, पिछले ड्रोन ने जिस खेल की शुरुआत की थी उसका अंत करने के लिए तत्पर है Rafi M-Fiber कंपनी द्वारा बनाया गया आधुनिक हथियारों एवं सेंसर से लैस ये ड्रोन, जो न केवल डर और भय पैदा करता है बल्कि जरूरत पड़ने पर बहुत ही कुशलता से अपने दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহে গাজিয়াবাদত মুকলি করিলে এই বিশেষ প্রদর্শনী, যত ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো এরিয়াল ডেমনস্ট্রেশন দেখুৱা হৈছে, বিভিন্ন ড্রোনের কলা কৌশল আকাশী মার্গত দেখুৱা হৈছে, প্রায় 5,000 লোকে অংশগ্রহণ করেছে এই বিশেষ প্রদর্শনীত। मैं अपने सभी श्रोतागण को बता दूं कि दाहिनी ओर से चलते आ रहे वीआईपी अपने दो बॉडीगार्ड के साथ इस सभा को संबोधित करने के लिए आप सभी के बीच आ रहे हैं, लेकिन दोनों जवान तुरंत देखते हैं कि एक ड्रोन जो कि उस वीआईपी के ऊपर नजर रख रहा है। दोनों जवान तुरंत सतर्क हो जाते हैं और अपनी ड्रोन विरोधी जैकेट और बंदूक के साथ ड्रोन के ऊपर निशाना साधते हैं। इस ड्रोन विरोधी बंदूक से हम ड्रोन से बातचीत कर रहे जमीनी स्टेशन से आ रही हवाई तरंगों को रोक के ड्रोन को नीचे गिरा सकते हैं। উত্তরাখণ্ডত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন, মুষলধার বরষুণের ফলত খহিল পাহাড়ৰ ঘৰ মাটি।
কেমেৰাৰ সন্মুখতে হুৰাহুৰে পাহাৰৰ মাটিসহ খহি পৰিল এটা দুমহলীয়া অট্টালিকা। অৱশ্যে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক, কিয়নো ভূমিস্খলনৰ পূৰ্বেই খালী কৰি দিয়া হৈছিল অঞ্চলটো। নাইনিতালত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। বিগত কেইবাদিনো হৈ থকা নেনেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নাইনিতালৰ কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। পাহাৰীয়া অঞ্চলত সংঘটিত এই ভূমিস্খলনৰ ফলত ইটোৰ পিছত সিটো ঘৰ খহিছে, পাহাৰৰ শিল মাটি খহি আবদ্ধ হৈছে কেইবাটাও পথ। উল্লেখযোগ্য যে বান ভূমিস্খলনত উত্তৰাখণ্ডত চলিত বৰ্ষত এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 111গৰাকী লোকে। প্ৰভাৱিত হৈছে 45,650টা পৰিয়াল। বিগত মাহত উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে সদৰি কৰিছিল এই তথ্য। ইপিনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰক ইতিমধ্যে আবণ্টন দিছে 30,40,00,000 টকাৰ সাহায্য। মুম্বাইৰ বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আম্বানী পৰিয়ালৰ। গণেশ পূজা উপলক্ষে নাতিয়েকসহ পৰিয়ালৰ সকলোৱে আশীষ ল'লে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰত। মায়ানগৰী মুম্বাইত 10দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় গণেশ চতুৰ্থীৰ। ইতিমধ্যে এণ্টিলিয়াত অতি বৰ্ণাঢ্যভাৱে গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰা হয়। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এণ্টিলিয়াত এইবেলিও গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু এইবাৰ সিদ্ধিবিনায়কত উপস্থিত হৈছে আম্বানী পৰিয়াল। সপৰিয়ালে গণেশ বাবাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে আম্বানী পৰিয়াল। আৰু ইফালে গণেশ পূজা উপলক্ষে টি ছিৰিজৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খান। অভিনেতাগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে। অভিনেতাগৰাকীক নিচেই কাষতে পাই আনন্দিত হৈ পৰে টি ছিৰিজৰ কৰ্মচাৰীসকল। ৰিয়াৰীৰ সৈতে সময় হ'ল বিগ ব্ৰেকিঙৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। বাতৰি আগবঢ়াই অস্তিত্ব আছে, সেয়া চন্দ্ৰযান 2।